कटप्पा की चालबाजी और बाहुबली की कलाकारी अब आखिर कौन भूल सकता है। जहां इस फिल्म ने करोड़ों की कमाई की थी, वहीं इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार भी था और बाहुबली 2 देखने के बाद सभी लोगों को बाहुबली 3 को लेकर भी जिज्ञासा बढ़ चुकी है और दर्शक बड़ी मात्रा में बाहुबली 3 की डिमांड कर रहे हैं। इस डिमांड को देखते हुए बाहुबली 3 भी बनाई जा रही है और इस फिल्म को बहुत ही जल्दी रिलीज भी किया जाएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बाहुबली 3 की कहानी की एक झलक दिखलाएंगे जो कि गलती से लीक हो चुकी है, जिसमें दिखाया गया है कि बाहुबली 3 में कौन कौन से किरदार नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बाहुबली 3 जल्द से जल्द रिलीज हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा कि बाहुबली की शुरुआत में कटप्पा के इंट्रोडक्शन सीन में उनका सामना काबुल के शेख असलम खान से होता है, जो कटप्पा की वफादारी को देखकर उन्हें कहता है, अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि आपका कोई दोस्त भी है। और शेख असलम खान का कैरेक्टर सुदीप ने प्ले किया है और सभी जानते हैं कि सुदीप एक मशहूर एक्टर है और उनके कैरेक्टर को बाहुबली के अगले पार्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नंबर 2, बाहुबली के कंक्लूजन में दिखाया गया कि महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मार देते हैं, पर भल्लाल देव के पिता विशाल देव का एंड नहीं दिखाया गया और देखा जाए तो विशाल देव ही फिल्म के असली विलेन रहे हैं। नंबर 3, फिल्म के भल्लाल देव का एक बेटा दिखाया गया है जो शिवा के हाथों मारा जाता है और सोचने वाली बात यह है कि भल्लाल देव की पत्नी का कैरेक्टर बिल्कुल भी फिल्म में नहीं दिखाया गया। शायद फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली ने ये बहुत ही सोच समझकर किया था और बाहुबली 3 में अब उनकी पत्नी के बारे में दिखाया जाएगा, जो भल्लाल देव की मौत का बदला लेने के लिए माहिष्मती राज्य वापस आ जाती हैं, जिससे स्टोरी और ज्यादा मजेदार होने वाली है। नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्म में कटप्पा का कितना बड़ा रोल रहा है। वो अपने हर वचन पर अमल रहते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि उनके कैरेक्टर के पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। हम बस यही देखते हैं कि वो महिष्मती राज्य के गुलाम हैं और उनके पूर्वजों के दिए गए वचनों के कारण वो हमेशा महिष्मती के गुलाम ही रहेंगे, जिससे स्टोरी अपने आप में एक पहेली बन गई है। और आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कटप्पा इतने वफादार हैं? नंबर 5, बाहुबली के फिल्म डायरेक्टर राजा मौली ने एक इंटरव्यू में बताया कि बाहुबली 3 का काम चालू हो चुका है। उनके फादर विजय प्रसाद, जो बाहुबली के राइटर भी हैं, जो बाहुबली की स्क्रिप्ट भी तैयार कर चुके हैं। राजा मौली ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि लोग बाहुबली का नाम सुनते ही फिल्म देखने जरूर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बाहुबली 3 जल्द से जल्द रिलीज हो, और हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अब मैं उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जो हमारी वीडियोस को रोजाना देखते हैं और लगातार अपने कमेंट के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहते हैं। सबसे पहले दीपक कुमार और दूसरे सुमित सिंह। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए, तो हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर जल्द से जल्द सब्सक्राइब हो जाएं। जय महेश्वर।